हैं ऑटो इंडस्ट्री का। और हाँ, भारतीय ऑटो इंडस्ट्री जो है इस वक्त टॉप गियर में नजर आ रही है, क्योंकि लगातार ऑटो इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल स्पेस की जहाँ हम बात करते हैं तो नए लॉन्चेस का जिक्र हम करते ही हैं। और इस साल ऑटो कंपनियां करीब 100 नई गाड़ियां उतारने जा रही हैं, जो पिछले साल से दोगुना होगा। इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, ऑटो इंडस्ट्री के लिए नए लॉन्चेस का सिलसिला इस साल भी बढ़ता दिखेगा? बिल्कुल, देखा हमने पिछले साल जैसे सब कुछ मिला के 50 से 60 लॉन्च हुए थे। वेल, जब तक मैं बताऊं आपको, हम ये बात ख़त्म करेंगे, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें। जैसे सब ग्राहक कंफ्यूज है क्योंकि इतने सारे जो प्रोडक्ट है मार्केट में है इस वक्त, लगभग 100 के करीब हम बात कर रहे हैं। और इसको हम सेगमेंट में बांटे तो स्टार्ट करते हैं उससे जो नई गाड़ियाँ आने वाली हैं। जिमनी मारुति की बहुत जल्दी आने वाली है, मारुति की एंगेज, उसके बाद होंडा एलिवेट SUV लाने वाली है, ह्यूंडई अपनी एक और लेने वाला लाने वाली है SUV, सिट्रॉन किया और निसान, निसान एक्सट्रेल वापस आ रही है भारतीय मार्केट में, ये भी SUV फॉर्म में होगी। रेनॉ की अरकाना है और जीप की एक और SUV है। सो ये 12 लगभग SUV का नाम मैंने आपको गिनाया, ये मार्केट में आने वाली हैं जो नए प्रोडक्ट हैं। इसके बाद उनकी तरफ जाते हैं जो फेसलिफ्ट होने वाले हैं, उसमें भी हमारे पास कम से कम 15 नाम है इस वक्त। शुरुआत करते हैं थार से, और 5 5-door थार आने वाली है। उसके बाद फोक्सवैगन की टाइगुन, किया सेल्टोस, टाटा नेक्सॉन, हैरियर, सफारी, ह्यूंडई क्रेटा, ये सब फेसलिफ्ट आने वाली हैं। ये लगभग 12 से 15 फेसलिफ्ट आने वाली हैं। एक और सेगमेंट जो डोमिनेट करेगा इस साल पूरी मार्केट को, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। उसमें पिछले साल हमने देखा बहुत एक्शन था, नेक्सॉन EV आने के बाद, टियागो EV आने के बाद बहुत सी EV इलेक्ट्रिक व्हीकल आई हैं। इस साल भी कम से कम 12 नई इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही हैं। आपको नाम गिनाऊँ तो उसमें स्कोडा एनियाक, वॉल्वो की C40 रिचार्ज, मर्सिडीज़ की EQS SUV, कॉमेट MG5, पंच की भी, टाटा की पंच की भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाली है, ऑक्टाविया भी आएगी, ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में आने वाली हैं। उसके बाद बात करें हम तो लग्जरी गाड़ियों में लगभग 12 से 15 और लॉन्च होने वाले हैं, ये सब मिला के लगभग 30 से 40 लॉन्च हैं। पर इसके अलावा भी वेरिएंट, CNG, इलेक्ट्रिक, ये सब आएंगे जो भी इस नंबर के दुगने होंगे। एक नुकसान जो हो रहा है सेगमेंट में, वो है सिडान सेगमेंट को। यहाँ पे जो मार्केट है सिडान सेगमेंट खत्म हो रहा है। ये दो ही सिडान आने वाली हैं इस साल, टोयोटा की और स्कोडा की। ये सब हुआ क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि बड़ी ऑटो कंपनियाँ जैसे महिंद्रा XUV 700 आने के बाद बहुत ही ज़्यादा उसने अच्छा किया, प्रदर्शन किया, नई स्कॉर्पियो निकाली। टाटा ने नेक्सॉन के बाद देखा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। सो इन सब का एक एक प्रोडक्ट वंडर रही है, बट उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इस साल भी क्योंकि लोगों की कतार खरीदने की अभी भी जारी है, मंदी की बात जब हो रही है दुनिया भर में, हम देख रहे हैं कि भारत में जो ग्राहक रुके हैं गाड़ी खरीदने के लिए, उनका नंबर बहुत बड़ा है। सो इस सब पे चलते इस साल भी ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा संख्या में आने वाली हैं। 100 जो हमने देखा, कुछ स्टडीज़ हुई हैं, ये सब होंगी इस साल के एंड तक। कुछ चैलेंज रह जाते हैं जैसे चिप शॉर्टेज है, जिसकी वजह से ये गाड़ियाँ नहीं बन पा रही हैं, और कुछ और चैलेंज हो जाते हैं। पर जो भी कह लें आप, एक वक्त था जब पेट्रोल डीजल प्राइस बढ़ते थे और लोग गाड़ी खरीदना बंद कर देते थे, अभी वो बढ़ते जा रहे हैं, पर गाड़ियाँ भी वैसे ही बढ़ती जा रही हैं, और लोग ग्राहक जो हैं वो कन्फ्यूज है मार्केट में कि क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। ऑलराइट, इतने सारी ऑप्शन अगर आप सुमित देंगे तो लोग, तो कस्टमर्स तो कंफ्यूज होंगे कि वो क्या खरीदे क्या ना खरीदे, लेकिन ट्रेंड्स बहुत क्लियरली दिख रहे हैं कि जो टॉप गियर में जो 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 स्पेसेस चल रहे हैं ऑटो में, उसमें कंप्लीटली क्लियरली SUV प्रीमियमाइजेशन का बड़ा ट्रेंड है। उसके अलावा मिड SUV में कई सारे इंपॉर्टेंट लॉन्चेस हैं जिसकी आप बात भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ कंपाइल करके व्यूअर्स के लिए लाने के लिए।